Assalamu alaikum everyone, I hope you're learning well. So today we are going to make custard sweet cake. This is very soon, very delicious. So let's begin to the video. लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये मज़ेदार सा कस्टर्ड स्वीट केक सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। अगर आप इस मज़ेदार से कस्टर्ड स्वीट केक को सिर्फ 5 मिनट में तैयार करना चाहते हैं तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है शुगर 1 कप, उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है एक पैन, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है वाटर 2 कप्स, और फिर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है येलो फूड कलर। ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है रेड फूड कलर। अगर आपके पास सिर्फ ऑरेंज फूड कलर है तो आप सिर्फ वो भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 फूड कलर को मिक्स करके ऑरेंज फूड कलर बना लिया है। उसके बाद हमने लो टू मीडियम फ्लेम इसके नीचे ऑन कर देनी है, और अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉईल आने देंगे। हमने इसकी एक तार की चाशनी तैयार नहीं करनी, हमने बस इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक बॉईल आ चुका है। अभी दूसरे बॉईल तक हम लोग इसको और पका लेंगे, और उसके बाद हम लोग फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ये देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा बॉईल भी इसमें आ चुका है। अब हम लोग फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम लोग साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद जी, यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर हमने ऐड कर देना है मिल्क 2 कप। हमने यहाँ पर 1 कप मिल्क इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद हमने इसमें 1/2 कप मिल्क ऐड करना है, और जो 1/2 कप रह जाएगा उसके अंदर हमने ऐड कर देना है वनीला पाउडर। हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून वनीला पाउडर इसके अंदर ऐड कर देना है। वनीला पाउडर इसके अंदर ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसको 2 मिनट के लिए साइड पर रख लेना है। उसके बाद जो हमने दूध पैन में ऐड किया था उसको हमने 2 से 3 बॉइल आने तक का वेट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बॉइल इसमें आ चुका है। इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है शुगर। हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून शुगर इसमें ऐड की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके वनीला कस्टर्ड ऐड कर देना है, और इसको हम लोग साथ साथ मिक्स भी करते रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग इसको कैसे ऐड कर रहे हैं। और इस पॉइंट तक जी, हमने इसके अंदर सारा वनीला कस्टर्ड ऐड कर दिया है, और हम लोग इसको मिक्स करते हुए 5 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसी दरमियान हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं पिस्ते, इनको हमने थोड़ा सा पीस लिया था। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है, और हम लोग इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें पहला बॉइल आ चुका है। इस पॉइंट पर हम लोग फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि इसमें जल्दी जल्दी गाढ़ापन आ जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ी से गाढ़ा और होना शुरू हो गया है। इसमें 3 बॉइल आ चुके हैं। इस पॉइंट तक हमने इसको गाढ़ा कर लेना है, और उसके बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है, और इसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए साइड पर ठंडा होने के लिए रख देना है। आप यहाँ पर इसका टेक्स्चर भी चेक कर सकते हैं कि हमने इसको कितना गाढ़ा किया है। उसके बाद जी, हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और रस ले लिए हैं। हम यहाँ पर प्लेन वाले रस का इस्तेमाल करेंगे। इन रस को अब हम लोग इस बाउल में सेट करके देख लेंगे कि किस तरह से हम इसको अरेंज करके रखेंगे इस बाउल में। ये देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इसको इस तरह से अरेंज करके इस बाउल में रखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर जो शुगर सिरप बनाया था, इन रस को हम लोग इसके अंदर अच्छी तरह से डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम लोग इसको वापस से बाउल में सेट करके रख देंगे, और इसी तरह से हम सारे रस को इसके अंदर डिप करके बाउल में सेट करके रखते जाएंगे। ये देखें जी, हमने रस को शुगर सिरप के अंदर डिप करके अच्छी तरह से सेट करके बाउल में दोबारा से रख लिया है। उसके बाद हमने शुगर सिरप को इनके ऊपर थोड़ा सा और ऐड कर देंगे ताकि जो रस है वो शुगर सिरप को थोड़ा सा और अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर लें। इसीलिए हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं किया था। शुगर सिरप इसके ऊपर ऐड करने के बाद हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है कस्टर्ड मिल्क। कस्टर्ड मिल्क में हम लोग शुगर सिरप की तरह ही इसके ऊपर अच्छी तरह से ऐड करेंगे कि रस इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए, इतना ऐड करेंगे। देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट तक रस जो है इसके अंदर अच्छी तरह से डिप हो चुके हैं। अब हम लोग इसके ऊपर सेकंड लेयर लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग इसकी सेकंड लेयर लगा देंगे, और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। इस पॉइंट पर हमने इसको सारे रस को दोबारा से शुगर सिरप में डिप कर लिया है। उसके बाद फिर से हम लोग इसके ऊपर ऐड करेंगे शुगर सिरप, और थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, और फिर हम लोग इसके ऊपर ऐड कर देंगे वनीला मिल्क। वनीला मिल्क भी हम लोग अब इस पॉइंट तक ऐड करेंगे कि रस जो है वो इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रस जो है वो इसमें अच्छी तरह से डिप हो चुके हैं। उसके बाद ही हम लोग इसके ऊपर ऐड करेंगे किशमिश। किशमिश ऐड करने के बाद हम लोग इसके ऊपर ऐड करेंगे मिक्स ड्राई फ्रूट्स, उनको हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। उसके बाद इस पर ऐड करेंगे। अगर आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड करना चाहते और कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार लगेंगे।
और ये देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसके ऊपर सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं अच्छी तरह से। अगर आप चाहें तो आप इस पॉइंट तक इसको स्टॉप कर सकते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ करके इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करना है तो हमने इसके ऊपर ऐड कर दी है ग्रीन और रेड कलर की जेली, और उसके बाद हमने इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया है हाफ एन आवर के लिए। इसको फ्रीज़ करने के बाद आप ये ठंडे ठंडे डेजर्ट इंजॉय कर सकते हैं, और आप इसको किसी भी स्पेशल इवेंट पर बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये देखें जी, इस पॉइंट पर अब हम आपको इसको अंदर से कट करके दिखाते हैं कि कितना मज़ेदार बना है। और ये देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार लग रहा है। जितना ये दिखने में मज़ेदार लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।